मैंने आपसे कहा है कि एक एक शेर मैं पेश करूंगा। मौला अली दे नाते जिस तरह तुम झूमते हो ना यार, आज मेरा शिकवा खत्म कर दे। बड़ी शिकायत रही मैनू आशिका को शाह जी कि जो अली का जिक्र होता है तो सारे अली दे मलंग बन जाते हैं, दीवाने बन जाते हैं, क्योंकि असं हैं दीवाने मौला कायनात। लेकिन जो सैयद ना सिद्दीक अकबर की गल आती तो शाह जी कुछ जुबान अच्छा बस ठीक हो गया, बस ठीक शाह जी ने जमानत देती थोड़ी। हूँ मैं यह भी नहीं कह सकता कि तुम भरम रखना है, क्योंकि जो सैयदा ने जमानत दी तो भरम भी आप ही रखे इंशाअल्लाह। हैं हथा बुलंद करके मेरे सिद्दीक अकबर का नाम लेना है, उच्ची आवाज में कहना है मेरे सिद्दीक अकबर की कहना है। इंज नहीं यार, आवाज नहीं है, डंडी नहीं मारनी, हथा बुलंद करके की कहना है। सुभान अल्लाह, मेरे सिद्दीक अकबर की कहना है। हाँ सदाकत के ताजदार मेरे सिद्दीक़े अकबर, सदाकत के ताजदार मेरे सिद्दीक़े अकबर, सदाकत के ताजदार मेरे सिद्दीक़े अकबर, आका के पहले यार मेरे सिद्दीक़े अकबर, आका के पहले यार मेरे सिद्दीक़े अकबर। सिद्दीक़े अकबर गारे सौर में दाखिल हुए हुज़ूर के हमरा। शाह जी ने कभी यह वाक़या आपके सामने पेश किया होगा, तीन रातें तीन दिन सिद्दीक़े अकबर हुजूर का चेहरा तकते रहे, और मेरे महबूब सिद्दीक़े अकबर का चेहरा देखते रहे। वो तीन रातें तीन दिन गारे सौर में। अब सिद्दीक़े अकबर दाखिल हुए, गार में सुराख थे, गार में सुराख थे, सारे सुराख बंद कर दिए, एक सुराख बच गया, कोई शय ना मिली। सिद्दीक़े अकबर ने अपना अंगूठा वहां पे रख दिया। अब ये शेर सुनना है कि बंद कर दिए सुराख सारे यार की खाते, बंद कर दिए सुराख सारे यार की खाते, डंग खाते रहे गार में सरकार की खाते, डंग खाते रहे गार में सरकार की खाते, सरकार की खाते। ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे हैं जानिसार मेरे सिद्दीक़े अकबर, ऐसे हैं जानिसार मेरे सिद्दीक़े अकबर, आका के पहले यार मेरे सिद्दीक़े अकबर। इतना मजा आ रहा है जब आप कह रहे हैं कि मेरे सिद्दीक़े अकबर, काश मैं शाह साहब से सारी नातों की जमानत ले लेता आपकी। हैं इतने मजे से आप कह रहे हैं मेरे सिद्दीक़े अकबर, सदाकत के ताजदार अकबर, आका के यार गार मेरे सिद्दीक़े अकबर। गारे सौर में डंग खा लिए, किसकी खातिर डंग खाए थे, किसकी खातिर सांप से डंग खाए थे, हुजूर की खातिर। अब आका के दर का ये मिजाज नहीं कि कोई हुजूर की खातिर डंग खाए और हुजूर उसको अता ना फरमाए। शाह जी ये मैं सिर्फ आपके लिए खास तौर पर तवज्जो लेने के लिए शेर पढ़ रहा हूँ कि कैसा सिला मिला उस शब का यारे गार को, डंग जो खाए थे रात
تو اب صلہ تو ملنا تھا نا. دوسرا مصرع جس کی سمجھ میں آئے وہ صدیق اکبر کے نام پہ ہاتھ اٹھائے گا اور ان کی شان پہ فدا ہو کے کہے گا سبحان اللہ. ڈنگ کھا لیے اس رات میں. کیسا صلہ ملا اس شب کا یار غار کو, سرکار نے پہلو میں سلایا ہے یار کو, سرکار نے پہلو میں بلایا ہے یار کو, سرکار پہلو میں سلایا ہے یار کو, سرکار نے پہلو میں بلایا ہے یار کو, سرکار نے پہلو میں سلایا ہے یار کو, سرکار نے پہلو میں لٹایا ہے یار کو, بلایا ہے یار کو. شاہ جی بہت بڑا مصرع, کیوں نہ بلاتے حضور, کیونکہ اس جا کے اس جا کے اس جا کے تھے حقدار میرے صدیق اکبر, اس جا کے تھے حقدار میرے صدیق اکبر, صداقت کے تاجدار میرے صدیق اکبر, آقا کے پہلے یار میرے صدیق اکبر, صداقت کے تاجدار میرے